हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऑसम हेयर स्टाइल फॉर समर। ये समर के लिए ही अप्रोप्रिएट नहीं है, ये आपके मॉनसून के लिए, विंटर के लिए, जब भी आपको इन हेयर स्टाइल्स को करने का मन हो तब के लिए ही अप्रोप्रिएट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये हेयर स्टाइल्स अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यस, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है, वो है टिप्स टू टॉप बाय शालिनी। आप एक बार सर्च ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए इन हेयर स्टाइल्स को देख लेते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ईजी है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीज़, यहाँ पे फर्स्ट हेयर स्टाइल को करने के लिए आपको आपके हेयर को सबसे पहले अच्छे से डिटेंगल कर लेना है। उसके बाद एक टेल कोम की हेल्प से आपको आपके हेयर में साइड पार्टीशन करना है। साइड पार्टीशन करने के बाद अपने हेयर को अच्छी तरीके से कोम कर दीजिएगा। फिर उसी सेम टेल कोम की हेल्प से आपको आपके साइड पार्टीशन जो आपने किया है उससे आगे वाले हेयर सेक्शन को अलग कर लेना है, और उसको एक क्लिप की हेल्प से आप अलग सिक्योर कर दीजिएगा। देन आपका जो पीछे का हेयर है उससे आप पोनीटेल कर लीजिए। सिंपल पोनीटेल है इसीलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा शो नहीं किया है। इसके बाद जो आपने आगे के हेयर को अलग से सिक्योर किया था उसको इस तरीके से ट्विस्ट करना है आपको, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आपको इसे जब आपके ईयर तक ट्विस्ट हो जाए फिर बाकी बचे हुए हेयर को ऐसे ही ट्विस्ट करते करते आपको इसी हेयर से अपने पोनीटेल के रबड़ को कवर कर देना है। आपके जो पोनीटेल का जो रबड़ है वो ना नजर आए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो सिंपल सी हेयर स्टाइल है वो कितनी ज़्यादा यूनिक हो जाती है, और ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा स्टाइल भी लगती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेयर स्टाइल है वो इसी हेयर स्टाइल का एक्सटेंशन है। आपने जो पोनीटेल किया था उसको आपको यहाँ पे एक बन में सिक्योर कर देना है। बहुत ही इजी हो जाता है, आप पोनीटेल कर ले उसके बाद बन बनाना। इस बन को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे आपको 2-3 बॉबी पिंस यूज़ करने होंगे ताकि आपका जो बन है वो अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए, वो ओपन ना हो। तो यहाँ पे मैं 2-3 जूड़ा पिन यूज़ कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। इसको करते ही आपका जो हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड यू कैन सी कि ये हेयर स्टाइल जो है वो कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। स्पेशली अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो नेक्स्ट हेयर स्टाइल को करने के लिए आपको आपके हेयर में मिडिल पार्टीशन कर लेना है, और उसके बाद अपने हेयर को अच्छी तरीके से डिटेंगल कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से कोम कर लीजिएगा। फिर आपको आपके एक साइड के हेयर को लेना है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं फिंगर की हेल्प से ले रही हूँ, इसको दूसरे साइड लेके जाना है। दूसरे साइड के हेयर को इस साइड लेके आना है। इस टाइप का हेयर स्टाइल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट इस पर थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसी तरीके से आपको आपके हेयर में जहाँ तक आपका मतलब सिर है, जहाँ तक आप कर पाते हैं बस वहां तक कर लीजिएगा, दैट्स इट। उसके बाद आपको इसे सिक्योर कर देना है विद 2 क्लिप्स, कोई भी टाइप की आप क्लिप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसके जस्ट पीछे के थोड़े से हेयर सेक्शंस को ले लेना है, जैसे यहां पे मैं ले रही हूं, और उसको फिर एक पतले रबर बैंड की हेल्प से आप सिक्योर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली यहां पे मैं इस हेयर को अच्छी तरीके से सिक्योर कर रही हूं। देन इसे हमें एक बन में कन्वर्ट कर देना है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये हाफ बन बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इससे पहले मैंने यहाँ पे पोनीटेल बनाना बताया था, बट इस बार हम यहाँ पे हाफ बन क्रिएट कर रहे हैं। एंड गाइज, यू कैन सी कि ये हेयर स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है कैजुअल के लिए, या आप कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो भी आप इस हेयर स्टाइल को कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट हेयर स्टाइल की तरफ। लास्ट हेयर स्टाइल के लिए आपको यहाँ पे आपके हेयर में पफ क्रिएट कर लेना है। आगे के थोड़े से हेयर सेक्शंस को लीजिएगा, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, एंड उसके बाद 2 क्लिप की हेल्प से इसे सिक्योर कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पफ है वो बिल्कुल करेक्ट बने, यहाँ पर आपको बस किसी तरीके से पफ को क्रिएट कर लेना है। आगे मैं बताऊंगी कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। उसके बाद आपको एक साइड से आपके ईयर के पीछे के कुछ हेयर सेक्शंस को ले लेना है, और उसकी हेल्प से आपको ब्रेड बनाना है यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पूरा ब्रेड बनाते बनाते आई थिंक मुझे 2-3 मिनट तो लग गए थे। तो बस इसी तरीके से आपको यहाँ पे नॉर्मली ब्रेड क्रिएट कर देना है। देन आपको इस ब्रेड वाले हेयर पार्ट को अपने हेयर के ऊपर एज अ हेयर बैंड यहाँ पे सिक्योर करना है, जैसे आप हेयर बैंड लगाते हो उसी तरीके से। दूसरे साइड पे आप इसे एक क्लिप की हेल्प से सिक्योर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप 2 क्लिप्स यूज करेंगे, बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। फिर उसे कवर कर दें, उसके बाद जो आपने यहाँ पे पफ क्रिएट किया था उसे ओपन कर दीजिएगा, दैट्स इट। इसीलिए मैं बोल रही थी कि किसी भी तरीके से आप बस पफ क्रिएट कर लीजिए।
एंड उसको ओपन करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि ये हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो ब्रेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। आप इसे भी किसी भी पार्टी या फिर फंक्शन में करके जा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये हेयर स्टाइल्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।